गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपीयरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ ट्यूबुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टिमटिमाता है या फिर वेवरिंग इधर उधर होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से दिखाई देता है, अगर हम उसको ट्यूबुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग के थ्रू देखें। ट्यूबुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग मतलब क्या होता है? उसमें से गर्म हवा निकालना, और उस एयर की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, उसका जो फ्लो होता है वो चारों डायरेक्शन में होता है। क्लियर स्टूडेंट? और ये सभी आप जानते ही हो, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। द हॉटर एयर इज लाइटर लेस डेंस देन द कूलर एयर सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी। ओके स्टूडेंट, जो एयर गर्म हो जाती है, गर्म होने पर वो लाइट हो जाती है, लाइट होने की वजह से वो ऊपर चली जाती है और उसकी जगह पर ठंडी एयर आ जाती है। ये हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, और जो कि करेक्ट है। जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है इन कंपैरिजन टू कूलर एयर। जब एयर ही लाइटर है, उसका जो मीडियम है वो लेस है, डेंस मीडियम, लेस डेंस मीडियम है इन कंपैरिजन टू कूलर एयर। तो जिस एयर, जो लाइटर एयर है, उसका मीडियम भी हमारा जो है वो लेस डेंस है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेस होगा इन कंपैरिजन टू कूलर एयर। ओके स्टूडेंट, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहाँ से जो लाइट डाली जाएगी तो वहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी कैसा होगा? चेंज होगा टू द कूलर एयर। क्लियर स्टूडेंट? सो द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट अ स्टेशनरी। तो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव होता है मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। द अपीयरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। इस वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन होती है वो भी हमें एक्चुअल पोजिशन से अलग दिखाई देती है। अपीयरेंट पोजिशन होती है वो उसकी, इसी को बोलते हैं दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव। यही जो इफेक्ट होता है यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो उस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसी का ही ये एग्जांपल है कि हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इसका रीज़न भी यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब हम किसी स्टार को देखते हैं तो आपको पता है कि स्टार की हमसे जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि बीच में कितना एटमॉस्फेयर है जो अर्थ का हमारे और स्टार के बीच में होता है। तो जो स्टार से लाइट आती है तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिफ्रैक्ट होती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है मीडियम में आने पर। जैसे जैसे वो हमारे पास तक आती है तो बीच में जितना भी एटमॉस्फेयर था उन सभी में अलग अलग स्लाइटली क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। इसकी वजह से जब हम उसको देखते हैं, ये स्टार है, यहाँ से लाइट आ रही है, हम इसको देख रहे हैं, तो क्या होता है इसका बीच बीच में जो रिफ्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो स्टार उसकी एक्चुअल पोजिशन पर न दिख कर उसके ऊपर दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं अपीयरेंट स्टार पोजीशन, यहाँ दिखाई देता है। और आगे पीछे वो हमें क्यों होता है? क्योंकि कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से आगे, कभी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर। कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो नीचे, कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो ऊपर। आगे पीछे होने की वजह से हमें क्या लगता है कि वो स्टार टिमटिमा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? यही इसका रीज़न है। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफियर अंडर गोज अ रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ।
जब तक वो अर्थ पर पहुंचती है, लगातार जो रिफ्रैक्टिव होता है इंडेक्स, जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो उससे रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी लगातार चेंज होता रहता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो लाइट को बैंड करता है तो हमें जो स्टार एक्चुअल में जिस पोजीशन पर होता है उस पर ना दिखाई देकर दूसरी पोजीशन पर हमें वो दिखाई देता है। द स्टार अपीयरिंग स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर बनता है। दिस अपीयरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज नॉट अ स्टेशनरी, और ये भी जो अपीयरेंट पोजीशन है स्टार की, ये स्टेशनरी नहीं होती है, ये भी चेंज होती रहती है। बट keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth's atmosphere are not a stationary, as was the case in the previous paragraph. So since the stars are very distant, they approximate point size source of light. Clear student? आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा एक पॉइंट और इसमें आता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो तो ट्विंकल नहीं होते हैं, वो तो टिमटिमाते नहीं है, स्टार्स ही टिमटिमाते हैं। तो उसका दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इन कंपैरिजन टू स्टार्स आर मच क्लोज़र टू द अर्थ। जितने भी प्लैनेट हैं वो अर्थ के पास होते हैं, अर्थ के पास होने की वजह से क्या होता है कि बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम होती है, उनके बीच में जितना भी एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेयर होता है वो कम होता है, जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है और जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन भी कम होता है। और सेकंड चीज़ ये होती है कि जो प्लैनेट्स होता है इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। जो अर्थ प्लैनेट है उसके पास पॉइंट साइज का भरपूर कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टोटल वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट ऑफ टू ज़ीरो। यानी कि हम केवल एक पॉइंट साइज सोर्स की लाइट का, हमारी आंखों पर जो एंटर कर रही है लाइट, उसका अमाउंट देखें और इस पूरे प्लैनेट से निकलने वाली लाइट का टोटल देखें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो वो पूरे प्लैनेट से निकलने वाली जो लाइट है उसके कंपैरिजन में उसका एवरेज ज़ीरो निकलता है। इसीलिए जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। क्लियर स्टूडेंट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।